नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोलर वाटर पंप के बारे में। इसमें कितना खर्चा आता है, कहां आवेदन दे, कितने टाइम में हमारे खेत में लग जाता है, टोटल कितना खर्च आता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम के बारे में। स्कीम का नाम है पीएम कुसुम योजना, जिसके अंडर जो है हम अपना सोलर पंप लगवा सकते हैं। इसको कैसे लगवा सकते हैं, अब उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। इसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। जब भी पोर्टल खुलेगा, सबसे पहले हमें अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना है। सीएससी सेंटर जाने के बाद किसान भाइयों, हमें आवेदन देना है। sarlhariyana.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर सीएससी सेंटर वाला हमारा आवेदन देगा सोलर वाटर पंप के लिए। इसके लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है किसान भाइयों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें फैमिली आईडी चाहिए। जब भी हम उसमें अपनी डिटेल डालेंगे तो उस पे फैमिली आईडी जिस नंबर से कनेक्ट होगी उस पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें सीएससी सेंटर वाले को देना है। उसके बाद हमें अपनी जमीन की पूरी डिटेल डालनी है, और उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसान भाइयों, जिसमें हमें नो करना है। उसमें पूछेगा कि आपके खेत में जो है बिजली का कनेक्शन पहले से है, तो आपके खेत में ये सब सिस्टम नहीं लगेगा, तो उसको हमें नो करना है और ये फेक डाटा नहीं देना, नहीं तो हमारा सिस्टम जो है कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने अपने खेत के लिए सोलर वाटर पंप जो है सिलेक्ट करना है। वो हम 3 HP से लेकर 10 HP तक का जो है आवेदन उसमें डाल सकते हैं। इसमें 3 HP में हमें मोनोब्लॉक और 5 से लेके 7 से 7.5 और 10 HP तक जो है समर्सिबल का आवेदन हम इसमें दे सकते हैं। 3 HP का हमारे खेत में ये सिस्टम लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो 53 से 54 हजार इसमें हमारा पूरा कॉस्ट आया है। और एक पॉइंट जो आप पीछे रह गया था, जब भी हम इसमें पूरा अप्लाई करेंगे, पूरी डिटेल डालेंगे, हमें कौन सा वाटर पंप चाहिए, जब फैमिली आईडी से हमारा ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद जो है सीएससी सेंटर वाला हमें बताएगा हमारी इसमें कॉस्ट कितनी आएगी। जैसे कि 3 HP की बात करें तो हमारा 54 हजार के आसपास कॉस्ट आई है, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। हमें पता लगेगा कि हमारे वाटर पंप की कॉस्ट जो है इतने पैसे है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझे कि हमारा 3 HP का है तो हमारा 54 हजार रुपए लगेगा, तो वो हमें एक स्लिप देगा, उसको लेके हमें बैंक में जाना है और उतने पैसे का एक ड्राफ्ट कटवा लेना है बैंक से। जैसे ही हम फीस कटवाएंगे, ड्राफ्ट कटवाएंगे, उसके बाद वो वापस जो है सीएससी सेंटर वाले को देना है, ताकि वो उसको वापस अपलोड अपनी वेबसाइट पे कर दे और हमारा जो है एक प्रूफ गवर्नमेंट के पास चला जाए कि इस बंदे की पेमेंट जो है हमें रिसीव हो गई है। ये था जी पूरा प्रोसीजर के अंडर आप अपना सोलर वाटर पंप अप्लाई कर सकते हैं। 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद लगभग हमारा रिजल्ट आ जाएगा और हमारे पास फोन कॉल या फिर मैसेज में हमें ये प्राप्त होगा कि आपका जो है सोलर पंप अप्रूव हो गया है। अगर हमारा अप्रूवल आ जाता है, ये हमने अक्टूबर में अप्लाई किया था और फरवरी के एंड यानी कि फरवरी के लास्ट में हमारा सोलर वाटर पंप हमारे खेत में लग गया, यानी कि 3 से 4 महीने का टाइम समय अवधि होती है जिसमें आप सोलर पंप अपने खेत में लगवा सकते हैं। अगर हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो हमारे जो पैसे हमने सरकार को दिए थे वे हमारे खाते में वापस आ जाते हैं। तब भी हम सोलर के लिए अप्लाई करें तो साथ में अपने खेत में एक बोर जरूर करवा लें, ताकि जो इंस्पेक्शन करने आए उन्हें पता लगे कि सोलर पंप लगना कहाँ पर है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है किसान भाइयों। हो सकता है वो नेगेटिव रिपोर्ट ना डाल दे कि खेत में बोर नहीं है, तो हमारा रिजेक्शन के चांस हो सकते हैं। तो बोर का जरूर ध्यान रखें, और ताकि उनको एक डायरेक्शन मिल पाए कि यहाँ पर जो है हमारा सोलर वाटर पंप लगेगा। हमारे खेत में 3 HP का सोलर वाटर पंप लगा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमने 5 प्लेटें मिली हैं और साथ में ये पूरा स्टैंड और ये कंट्रोलर है हमारा, ठीक है जी। ये ओसवाल कंपनी का है, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो इसमें काम करती हैं, जैसे टाटा होगी, शक्ति होगी, लूबी होगी। आप किसी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मन पसंदीदा कंपनी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका अपने खेत में सोलर वाटर पंप और कंट्रोलर लगवा सकते हैं। तो हमने ओसवाल का यहाँ पे सिलेक्शन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये भी देख सकते हैं कि ये हरेडा के अंडर आती है और नाबार्ड इसको फंड करता है। खूबसूरती से हमें मोटर मिली है, साथ में इसके जो है एक कवर भी है, ताकि मोटर जो है पानी में ज्यादा खराब ना हो। ये हमारी मोटर नीचे है और ये देखिए पूरा सिस्टम, यहाँ से लाइट आई और ये हमारा जो है अब सोलर पे चला हुआ है, और सुबह का ही टाइम है। सुनने में आया किसान भाइयों, ये हमारा पहला सीजन है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो किसान भाई इसको यूज कर रहे हैं उनको एक प्लेट को ढकना पड़ता है किसी भी बोरी से या फिर किसी गीले कपड़े से, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी बना देता है। बेसिक वर्किंग की बात करें तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये हमारा प्लेट है, प्लेट के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसके अंदर जो है बिजली उत्पन्न होती है। सारी बिजली जो है इसके बाद कंट्रोलर में आती है और कंट्रोलर से हमारी मोटर ऑपरेट होती है।
इस प्रकार हमारा सोलर वाटर पंप काम करता है। और साथ में ये देखिए किसान भाइयों, एक अर्थिंग के लिए एक सिस्टम लगाया गया है, और साथ में ये है जैसे बारिश का मौसम होता है, बिजली गिरती है, तो उससे भी ये हमारा बचाव करता है। तो पूरा एक अच्छा सिस्टम इन्होंने बना के दिया है कि आप किसी भी प्रकार से अपने खेत में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बारिश के मौसम में या बिजली गिरती है उस मौसम। सोलर वाटर पंप के फायदे के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, आप सभी को पता है, जैसे कि ये हमारा इंजन है, एक बार दिखा दीजिए। अब ये हमारा जो है बिल्कुल कोई इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं है, आप देख सकते हैं हमारी मोटर पे जो है ट्यूबवेल चला हुआ है। इस प्रकार हमारी मेहनत भी बचती है और हमारा जो डीजल का खर्चा है वो भी हमारा बच जाता है। इस प्रकार की सुविधाओं का किसान भाइयों लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने खेत में सोलर लगवाएं। इसमें हमारा डीजल का खर्चा भी बचेगा, हमारी मेहनत भी बचेगी। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।